माना जाता है कि क्रूड महंगा होने से इकोनॉमी को नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूड महंगा होने से कुछ कंपनियों को फ़ायदा होता है और इसका असर उसके शेयरों के प्रदर्शन पर भी दिखता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी कि क्रूड की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई है। इस महीने क्रूड 76 से $79 प्रति बैरल की रेंज में बना हुआ है। इस साल क्रूड अब तक 17% और पिछले एक साल में 40% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। आमतौर पर माना जाता है कि क्रूड महंगा होने से इकोनॉमी को नुकसान होता है, कई कंपनियों को नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूड महंगा होने से कुछ कंपनियों को फ़ायदा होता है और इसका असर उसके शेयरों के प्रदर्शन पर भी दिखता है। ऐसे में हमने आपके लिए कुछ शेयर लाए हैं जिसमें आप निवेश कर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। अभी और महंगा होगा क्रूड। सिटी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि क्रूड की अभी मौजूदा स्तर से और महंगा होगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध और लीबिया में कुछ इंटरनल संकट के चलते क्रूड में सप्लाई का कंसर्न है। वहीं यूएन में रिंग्स काउंट की संख्या घटी है। ग्लोबल टेंशन के चलते भी क्रूड की मांग और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ा है। वहीं आने वाले विंटर सीजन के लिहाज से कई देश अपना रिजर्व बढ़ाना चाहेंगे। केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि क्रूड की कीमतों को कई फैक्टर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्रूड $80 के करीब जाने वाला है, तो इस लिहाज से किन शेयरों में निवेश करें? आज का वीडियो इसी बारे में है और आपके लिए ऐसे ही 4 शेयर लेकर आए हैं जिनमें क्रूड के भाव बढ़ने के असर से प्राइस अप जाएंगे और रिटर्न आपके बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे जो शेयर है वो है गेल। गेल लिमिटेड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी का गैस पाइपलाइन का कारोबार है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले गैस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। वहीं महंगे तेल की वजह से डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी का बिजनेस बेहतर है, गैस वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए आपकी ब्रोकरेज हाउस के आर चौकसे के शेयर के लिए ₹476 और ICICI डायरेक्ट ने ₹430 के लक्ष्य दिया है। करेंट प्राइस जो अभी चल रहा है वो ₹377 के लिहाज से शेयर में 26% तक रिटर्न मिल सकता है। दूसरे नंबर पे है LNG पेट्रोनेट। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड एनर्जी सेक्टर भारत की प्रमुख कंपनी है। कंपनी ने दहेज में देश का पहला एनर्जी रिसीविंग और रीगैसिफिकेशन टर्मिनल शुरू किया है। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर है। पहली तिमाही कंपनी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। कंपनी का मुनाफा 12% से बढ़कर 587 करोड़ रुपये रहा। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का फायदा कंपनी को होगा। अजय केडिया ने शेयर के लिए ₹300 का लक्ष्य दिया है। करंट प्राइस ₹241 के लिहाज से शेयर में 25% रिटर्न मिल सकता है। अगले नंबर पे जो है कंपनी वो है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यानी कि IGL इंडिया की लीडिंग नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। कंपनी मुख्य तौर पर दिल्ली NCR में ऑपरेट करती है। दिल्ली NCR के CNG मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। कंपनी का कारोबार बेहतर है। पिछले 10 साल से कंपनी का मुनाफा बेहतर रहा है। दिल्ली में CNG गाड़ियों की संख्या बढ़ने का भी फायदा कंपनी को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से CNG की डिमांड बढ़ती जा रही है। ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए ₹441 का लक्ष्य दिया है। करंट प्राइस ₹276 के लिहाज से अपनी में अच्छे खासे रिटर्न दिखने को मिल रहा है, 60% तक हो सकते हैं। अगला जो शेयर है वो है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड प्रीमियम इंडियन नेशनल कंपनी।